दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर। अपनी परछाई भी देखने के लिए धूप में चलना पड़ता है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखेंगे एक्सरसाइज 13B। प्रश्नावली 13B, क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन 1, 2, 3 लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। आंसर, माना आई बराबर 1 से 3 लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, लॉग एक्स बराबर टी, लॉग एक्स बराबर टी, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। आई बराबर 1 रखेंगे, लॉग 1 का मान 0, जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग 3 टी डी टी। आई बराबर टी का समाकलन कर दिया, टी स्क्वायर बटे 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट लॉग 3। आई बराबर 1 अपॉन 2 लॉग 3 का होल स्क्वायर। आंसर, 0 रखेंगे तो वो तो 0 ही होगा, उसके तो कुछ करना नहीं है, लॉग 3 का होल स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक कॉस लॉग एक्स बटे एक्स। कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। आंसर, माना आई बराबर 1 से लेकर 2 तक कॉस लॉग एक्स बटे एक्स डी एक्स, माना लॉग एक्स बराबर टी, लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। जैसे ही मानते हैं वैसे ही क्या लिमिट भी चेंज करते हैं, तो लिमिट जब लॉग वन का मान कितना हो जाएगा 0, 2 रखेंगे तो क्या आएगा log 2, और ये बन गए कितने cos t dt। I बराबर cos t का जो समाकलन होगा वो क्या होगा sin t, लिमिट 0 से कितनी है log 2। I बराबर sin log 2 माइनस sin 0। I बराबर sin log 2। और आंसर, तो काफ़ी सरल प्रश्न है, केवल जो परिवर्तन आया है वो किसका परिवर्तन आया, लिमिट का परिवर्तन आया। आपको लिमिट अच्छे से आनी चाहिए, और लिमिट के बाद जो भी बचा है वो ठीक पहले कर चुके हैं, इससे कठिन भी प्रश्न कर चुके हैं, और ये इस प्रकार के सभी प्रश्न ही कर चुके हैं। यहाँ तक मान लीजिए कि इस प्रकार के लगभग सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस x² dx। आंसर, आई बराबर लिमिट 0 से लेकर 1 तक साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस x² dx। साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, साइन इनवर्स का कितना होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस x² dx बराबर डी टी। आई बराबर 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, साइन इनवर्स 1 का मान कितना होगा π/2, तो 0 से π/2 और टी डी टी।
आई बराबर इसका होगा कितना, टी स्क्वायर बटे दो, लिमिट रखी है जीरो से पाई बाई टू, आई बराबर वन अपॉन टू पाई अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस जीरो, आई बराबर पाई स्क्वायर अपॉन एट आ जाएगा मान, दो दूनी चार दूनी आठ, पाई स्क्वायर अपॉन एट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार, लिमिट जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर भी लिखा है, ठीक है। आंसर आई बराबर लिमिट जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। मान रखेंगे तो जीरो, वैल्यू तो जीरो की होती है, वन का मान कितना हो जाएगा पाई बाई फोर, टी स्क्वायर डी टी बन के तैयार हो गए। आई स्क्वायर समाकलन किया टी क्यू अपॉन थ्री, लिमिट जीरो से पाई बाई फोर, आई बराबर वन अपॉन थ्री आगे कर दिए, पाई बाई फोर का होल क्यू माइनस जीरो, आई बराबर पाई क्यू अपॉन, ये तो चौंसठ हो जाएंगे, चौंसठ में तीन का गुणा कीजिए, चतियो बारह चौंसठ ही हुए, चतियो बारह चाचिंग चौबीस और एक पच्चीस, आंसर पाई स्क्वायर अपॉन दो सौ कितना आया, चौंसठ में तीन का गुणा कर दिया है, चतियो बारह छतियो अठारह और एक उन्नीस, उन्नीस एक सौ बानवे। क्वेश्चन नंबर फाइव, पांचवा प्रश्न है, इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आंसर आई बराबर लिमिट जीरो से वन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अगर एक्स का इम्प्लाइज दैट एक्स का मान निकालें तो कितना आएगा साइन टी, एक्स का मान आएगा साइन टी। यहाँ वैल्यू पुट अप कीजिए तो जीरो से पाई बाई टू साइन टी टी डी टी, आई बराबर जीरो से पाई बाई टू टी साइन टी डी टी, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पूरे का समाकलन, लिमिट कितनी है जीरो से पाई बाई टू, तो टी इसका आएगा माइनस के कॉस टी, लिमिट जीरो से पाई बाई टू, माइनस जीरो से पाई बाई टू टी का हो गया वन, साइन टी का कितना आया माइनस के कॉस टी डी टी। अब जब पाई बाई टू रखेंगे तो इसकी वजह से जीरो, और जब ये रखेंगे तो इसकी वजह से जीरो, माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस टी का आ गया साइन टी, लिमिट जीरो से पाई बाई टू, तो माइनस जीरो प्लस जीरो प्लस साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी वन माइनस जीरो, उत्तर आ जाएगा एक, आंसर उत्तर आ जाएगा एक।
क्योंकि आपको उसके केवल मान देखने हैं। तो मान देख लिए आपने, आंसर कितना मिलेगा? एक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0 से अनंत साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² dx। आंसर आई बराबर 0 से अनंत साइन टेन इनवर्स एक्स 1 + x² dx, टेन इनवर्स एक्स बराबर टी 1 / 1 + x² dx बराबर डी टी, आई बराबर 0 तो 0 रहेगा, अनंत का कितना हो गया π/2, और यहाँ मिला साइन टी डी टी। साइन टी का समाकलन माइनस के कॉस टी, लिमिट 0 से π/2, माइनस के कॉस π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कॉस 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी 1। आंसर आपको प्राप्त हो गया कितना 1। तो काफ़ी सरल प्रश्न लग रहे हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को तो आप कर सकते हो, करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।